इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के टेस्ट की तैयारी के लिए जो है ना हमने 5 साल पास पेपर बनाए हैं जो कि आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। तो जो है ना टेस्ट की तैयारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और 5 साल पेपर से लिए गए एमसीक्यूज़ शेयर किए गए हैं जो कि आपके जो है ना पेपर की तैयारी में बहुत मदद करेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ आ जाता है पाकिस्तान इज़ नॉट मेम्बर ऑफ। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है, एशिया। मतलब पाकिस्तान जो है ना सिर्फ सार का मेंबर है, एशियन का मेंबर नहीं है। ये ठीक हो गया। आगे आ जाता है दूसरे नंबर पर, बेन इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना ये कौन सी मतलब मुल्क की है? बेन, बेन इंटेलिजेंस एजेंसी ये है। इसका राइट आंसर डी, इंडोनेशिया की है जी। आगे जाता है टेंग इज़ द करेंसी ऑफ। टैंक किस मुल्क की करेंसी है? टैंक जो है ना ये है बी, इसका राइट आंसर कजाकिस्तान की करेंसी है। ठीक हो गया। आगे जाता है पाकिस्तान लार्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इज़। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिहाज से कौन सा है? इसका राइट आंसर है चागी, ये ऊपर था चागी। ठीक हो गया। आगे आ जाता है पाँचवें नंबर पर, देखिए विच इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। इसका राइट आंसर क्या है? सी, मतलब सबसे पहले गूगल से पहले याहू था जो कि सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट था। मतलब यहीं से जो है ना याहू से जो है ना हम जो भी टॉपिक्स जो है ना सर्च करते थे यहीं से मतलब करते थे। अब तो गूगल आ गया, ये ठीक हो गया। इसका राइट आंसर डी सी है। ठीक हो गया। आगे जाते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय ह्यूज पार्लियामेंट। मतलब इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सी, व्हेन देयर इज़ नो सिंगल पार्टिकली पार्टी हैज़ एन आउटराइट मेजोरिटी। इसका राइट आंसर सी है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टर्न ट्विस नोबल प्राइज फॉर पीस। इसका राइट आंसर क्या है? सी, UNHCR। ठीक हो गया। आगे आ जाता है थ्रू विच स्टेट 40% वर्ल्ड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, हॉर्मुज। ठीक हो गया। आगे जाता है 9 नंबर पर, देखिए टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन इस्लामिक मिलिट्री एलियंस आर। इसका राइट आंसर है ए, 39। ठीक हो गया। आगे जाता है विच कंट्री इज़ द लार्गेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है बी, USA। ठीक हो गया। 11 नंबर पर देखिए व्हाट इज़ खैमर रफ। इसका राइट आंसर है बी, आ कम्युनिस्ट अ मोवमेंट इन कैम्बोडिया। ठीक हो गया। 12 नंबर पर देखिए वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ IMF का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। ठीक हो गया। बी इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। 13 नंबर पर देखिए पाकिस्तान लार्गेस्ट रिवर इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी, इंडस रिवर, मतलब दरिया सिंध, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। 14 नंबर पर देखिए डेफिनेशन डेफिशेंसी ऑफ विटामिन सी कासेस। विटामिन सी की क्या मतलब वजूहत है? इसका राइट आंसर है बी, स्कर्वी। ठीक हो गया। 15 नंबर पर देखिए CPU इज़ द एब्रीवेशन ऑफ। CPU का एब्रीवेशन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका राइट आंसर बी है। ठीक हो गया। 16 नंबर पर देखिए हेड क्वार्टर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन। हेड क्वार्टर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ है? इसका राइट आंसर है बी, चाइना में। ठीक हो गया। आगे देखिए लार्गेस्ट कंट्री ना बाय एरिया इज़, मतलब सबसे बड़ा जो है ना एरिया के लिहाज से बरसअख़ीर जो है ना वो कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, एशिया। 18 नंबर पर देखिए नेपन इज़ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ। इसका राइट आंसर है जापान। नेपन जो है ना ये जापान का एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है 19 नंबर पर देखिए हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? इसका राइट आंसर है बी, चार्ल्स बैबेज। ठीक हो गया। हु इज़ यंगेस्ट नोबल लॉरिएट। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, मलाला यूसुफ़ज़ई। ठीक हो गया। आगे देखें 21 पर देखें हमास वाज फाउंडेड बाय। इसका राइट आंसर है बी, शेख अहमद यासीन। ठीक हो गया। विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंथम। इसका राइट आंसर है बी, नेदरलैंड। ठीक हो गया। 23 नंबर पर देखें सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज कॉल्ड दिस बिकॉज ऑफ। इसका राइट आंसर डी, कंप्यूटर इंडस्ट्री। ठीक हो गया। 24 नंबर पर देखिए लार्जेस्ट ओशन इज़, मतलब सबसे बड़ा जो है ना ये समंदर कौन सा है? ठीक हो गया। ये है पैसिफिक। इसका राइट आंसर बी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। 25 नंबर पर देखिए
विच ऑफ द फॉरगनेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट? इसका राइट आंसर क्या है? सी, OIC। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको जो है ना MCQs भी समझ आ रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 26 पर देखिए, 3 Ganges Dam Project इज इन द कंट्री ऑफ? इसका राइट आंसर है सी, चाइना। 27 नंबर पर देखिए, कैपिटल ऑफ कैनेडा, कैनेडा का कैपिटल क्या है? दरअसल हुकूमत क्या है? कैनेडा का है ओटावा। इसका राइट आंसर डी है, ठीक हो गया। 28 नंबर पर देखिए, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन, मतलब ब्रेन ड्रेन, इसका राइट आंसर क्या है? बी, एमाइग्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड हाई स्किल्ड पर्सनल टू अदर कंट्रीज, ठीक हो गया, ये राइट आंसर है। 29 नंबर पर देखिए, आसियाना एयरलाइन इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? आसियाना एयरलाइन ये कौन से मुल्क में बाकी है? इसका राइट आंसर है नॉर्थ कोरिया, सॉरी जापान, साउथ कोरिया में। इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। इसका राइट आंसर बी है, ठीक हो गया। 30 नंबर पर देखिए, ब्लू हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, ये ब्लू हाउस है, ये ऑफिशियल रेजिडेंस, ये कहाँ है? इसका राइट आंसर है डी, प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, ठीक हो गया। 31 नंबर पर देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ OPEC इज इन, OPEC का हेडक्वार्टर ये कहाँ है? इसका राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रिया में, ठीक हो गया। 32 नंबर पर देखिए, अरामको इज द ऑयल कंपनी ऑफ विच कंट्री? अरामको ये ऑयल मतलब कंपनी किस मुल्क की है? इसका राइट आंसर क्या है? बी, सऊदी अरब की है। 33 नंबर पर देखिए, द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है सी, ओनिथोलॉजी, ठीक हो गया। आगे देखिए, 34 नंबर पर देखें, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज, मतलब जो है ना रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा? इसका राइट आंसर है डी, रशिया। रशिया जो है ना पहले चाइना था, अब जो है ना रशिया है। रशिया जो है ना ये रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक हो गया। आगे जाता है, 35 नंबर पर देखें, द नोबल प्राइज पीस प्राइज 2008 हैज़ बीन गिवन टू मराठी एहतसारी, ही इज़ फॉर्मर प्रेजिडेंट्स ऑफ, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर इन्होंने नहीं दिया हुआ, इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ कोरिया, ठीक हो गया। आगे जाता है, हाँ, 3 मई इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ, इसका राइट आंसर है बी, प्रेस फ्रीडम। 38 नंबर पर देखिए, पाकिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ, इसका राइट आंसर है डी, ब्रिक्स, ठीक हो गया। 39 नंबर पर देखें, अंडर इन्हांस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट ऑफ 2009 USA विल प्रोवाइड पाकिस्तान, इसका राइट आंसर क्या है? सी, $1.5 billion annually, ठीक हो गया। 40 नंबर पर देखें, सेटल इज द सी पोर्ट ऑफ, इसका राइट आंसर है डी, सेटल जो है ना सी, ये किस मुल्क की बंदरगाह है? सीटल ये है USA की, यूनाइटेड स्टेट अरब, ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए शुक्रिया। और जो है ना हमें फॉलो करें, ये अपनी वीडियो, ये जो वीडियो है ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जी।